वहाँ के टनोलेयर में कोई दूसरी जगह तो नहीं है यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, लेकिन जापान सिटी वालों ने जो लास्ट ईयर से मतलब कि ये जो सिस्टम किया है, यहाँ पर मेला लगाया है, ये इतना ही बेहतरीन अमल है, क्योंकि आपको पता है कि इस शहर में कोई भी घूमने की जगह है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ईद के इवेंट का मैं जो ये लगाया गया है मेला, ये बहुत ही लोगों के लिए एक अच्छी तफरी है, और मैं यही चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ये तो चलो एक ईद का टाइम है उसमें ये लगाई गई हैं, लेकिन आम दिनों में भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, कैसे पार्क्स वगैरह होने चाहिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें हमारे जो यहाँ पर जो लोग हैं जो सारा दिन काम करने के बाद शाम के टाइम पर, ताकि वो अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर माहौल है यहाँ पर, सारी फैमिलीज़ हैं और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई है कि जिससे हम ये कहें कि किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो रही है या क्या। तो ये बहुत ही फैमिली फेस्टिवल है और फैमिलीज़ मैं समझता हूँ बड़ी अच्छे नंबर से इंजॉय कर रहे हैं, हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत ही बेहतर है। सर, मैं टंडोलियार से यहाँ, टंडोलियार शहर से, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी कश्मीरी है। हम यहाँ इंजॉय के लिए आए थे छोटे बच्चों को लेके, यहाँ झूले अच्छे लगे हुए हैं, निज़ाम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है, सिक्योरिटी का निज़ाम भी सही लग रहा है। यहाँ टंडोलियार में तफरी गाहें कोई ख़ास तो नहीं है, एक पहले मैंगो सिटी बना था लेकिन वो भी अभी उसका मज़ा ख़त्म हो गया है। शुरू में तो झूले वगैरह थे, बच्चे चले जाते थे, अब वहाँ नहीं है। टंडोलियार में ऐसा कोई भी ज़िले के हिसाब से कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, बड़े पैमाने पे कोई सिस्टम नहीं है। चला यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है और शुगर ट्री का ज़्यादा इसमें इंतज़ाम है, और यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा, मैं तो कराची से आया हूँ यहाँ पे बच्चों को लेके घुमाने के लिए, और माशाल्लाह इधर सारा इंतज़ाम बेहतरीन है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा लगना चाहिए हर साल के बच्चों के लिए, खुशहाली के लिए, कि हर दम हर खुशियाँ रहें, बच्चे खुश रहें और माहौल खुशगवार रहे हमारे सामने। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। माशाल्लाह सब घूम रहे फिर रहे हैं, बासानी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मज़ा आ रहा है। माय नेम इज माविया जिलानी, मैं टंडोला से आया हूँ यहाँ। हमें ईद के दिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, झूले खाने पीने बहुत मज़े किए हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। मैं फिदा हुसैन दर्स, माशाल्लाह पार्क माशाल्लाह बहुत अच्छे है, सिक्योरिटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे है, तो इन वजह से भाई ये पार्क है माशाल्लाह बहुत अच्छे, झूले वूले लगे पड़े हुए, बच्चे आते हैं तो इनके लिए भाईजान यहाँ पे मज़ा तो बहुत है, ठीक है, फैमिली का ये वो अच्छा। भाईजान मेरा नाम जैन है और मैं टंडोलियार में रहता हूँ, बुकेरा रोड शालतीव कॉलोनी, और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ और बड़ा मज़ा आ रहा है घूमने में और ये मेला लगा रहा है। जी मेरा नाम जवाद अहमद है, मैं भट्टिस्ता पर का रहायशी हूँ। इधर माहौल जो अच्छा है, इधर जापान गिरी और ग्रीन सिटी वालों का ये शुक्रिया कि हमारे को ये मेला सजा के दिया। इधर झूले हैं, इधर लेडीज फैमिली हैं और अच्छे बंदे आ रहे हैं, और इधर हम इन्हों को शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये मेला सजाया है, इनकी मेहरबानी। आप अलहमदुल्ला अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात के पहला मेरा नाम नज़ीर अहमद मल्ला और सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ का लाइव सिटी जापान सिटी का तरफ से मेरी सिक्योरिटी है अलहमदुल्ला। और टंडोलिया इंतज़ामिया भी ने भी तकरीबन अच्छा हमारे साथ सुलूक किया, चल रहे साथ दिया। उनके अलावा हमारी जो सिक्योरिटी है चारों तरफ मकसद अच्छी है और इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, इससे भी हम कोशिश करें इससे बेहतर रहे। और यहाँ जितने भी फैमिलीज वाले आ रहे हैं ज़बरदस्त मकसद अपने जुआ कर रहे हैं, इसी को बात नहीं। ये जापान लाइव सिटी हमारे टंडोलियार के लिए एक तोहफा था जो कि जावेद साहब ने हमें दिया, और इंजॉय हो रहे हैं आप तकरीबन जितने भी ये फेस्टिवल में आप घूम रहे हैं, आप हर किसी से मालूम कर सकते हो, कोई मसला या मसाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी के हिसाब से और बिलाल भाई की तरफ से तकरीबन बहुत ही इंतज़ाम किए गए हैं, अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, यहाँ पर किसी को भी तकलीफ नहीं है हमारी नज़र में तो कोई भी नहीं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस भी हमारे तरफ है, इंतज़ाम है टंडोलियार, और हमारी खुद की सिक्योरिटी जापान सोसाइटी की तरफ से भी सिक्योरिटी
ज़बरदस्त की गई है, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही हमें कोई शिकायत मिली है और ना ही कोई शिकायत का मौका मिला, नहीं कोई ऐसा अंदाजा कि हमें शिकायत है, क्योंकि बंदोबस्त हमारा बहुत अच्छा है। ये जावेद साहब की मेहरबानी जो टंडोला यार ज़िले में ज़बरदस्त इंतजाम से शिविर का किया है जो आज तक चला है, और ये आज इसे तीसरा दिन है, यही के पहले दिन से स्टार्ट है और इंशाल्लाह कल तक भी रहेगा और अच्छा चल रहा है, बस मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ऐसी बात तो है नहीं, अगर हुई तो हमारे बंदे जितने भी हैं कोई मसला नहीं, हालांकि अच्छे भी हैं, सब कुछ भी है, ताकतवर भी है, लेकिन मोहब्बत ही बंदे और हमारा जहाँ तक काम है कि हम मोहब्बत से चला है और चल भी रहा है, मोहब्बत से अच्छा चला हमारी तरफ से, सिक्योरिटी को सब चीज़ हलो, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये कहना कि किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करो किसी के साथ, और आज तक ऐसी कोई बात नहीं, ना हमें सिक्योरिटी की तरफ से आई है ना इंतज़ामिया की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा, हमें यही उम्मीद है। और बिलाल साहब की भी बहुत मेहरबानी, और उन्होंने जो भी ये प्रोग्राम किया ज़बरदस्त किया है। मैं तो ये मैसेज दूँगा अपने बहन भाइयों को, भाई हैं जितने भी यहाँ घूम रहे हैं, कि इससे भी बेहतर हम लोग अब जो आइंदा आएगा इससे भी बेहतर करेंगे, हमसे जो भी कोशिश होगी इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे। अगर मैं अपने बहन भाइयों से जो भी फेस्टिवल में आ चुके हैं या कल परसों से किससे भी कोई ऐसी शिकायत हो तो बेशक हम बैठे हुए हमसे बात करें, ऐसा कोई मसला हो तो हम उनका साथ देंगे। यार ये बहुत ही बेहतरीन अमल है जो पार्क बनाया गया है, लेकिन मेरा नाम आसिफ है, जो मैं अपने रोज़ी के हिसाब से आया हूँ, माशाल्लाह तीसरा दिन है अच्छी रोज़ी मिल रही है, और इंतज़ामिया की जानिब से ये पार्क वगैरह जो है कि थोड़ी सिक्योरिटी दी जाए और ये पार्क दिया जाए, इसकी बड़ी मेहरबानी होगी, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं बच्चे। हमारे शहर में इतना बड़ा ज़िला है पार्क नहीं है, ये भी कोई प्लाटिंग है उसको पार्क बनाया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा माहौल है, बच्चे खुश हो रहे हैं और ये तफरी का माहौल बना हुआ है, पार्क लाजमी चाहिए एक सरकारी जो है कि तफरी के लिए होना चाहिए। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पिछली ईद पर भी फेस्टिवल लगा था, अभी भी लगाया है। जावेद कायम खानी साहब हैं, जापान सिटी के मालिक हैं, इसके ओनर हैं, उन्होंने खुद की उन्होंने अपनी उससे लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, मैं उनके स्टाफ का मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फैमिलीज बहुत अच्छा है, इधर इन्जॉयमेंट ले रही हैं, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा निज़ाम है माशाल्लाह, बी सेक्शन हमारा बहुत सपोर्टिव है, ए सेक्शन है, SP साहब के बंदे आ रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह माहौल है, फैमिलीज आप माशाल्लाह देखेंगे सब बड़े प्यार से घूम रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बाकी सारा माहौल आपने देखा है। जावेद साहब ने ये हमारे शहर वालों के लिए एक तोहफा दिया कि भाई कोई कुछ इधर घूमने के लिए नहीं है तो कुछ अच्छा माहौल हो जाएगा, इस वजह से माशाल्लाह हमने ये सारा मैनेजमेंट किया है। सर हमने टंडोलियार की आवाम को इसीलिए ये लगाया, इसीलिए ये टंडोलियार की आवाम थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट लेने आए घूमे फिरे, क्योंकि यहाँ पर अपने टंडोलियार में कोई भी फैसिलिटी नहीं है इस टाइप की। हमने चार दिन के लिए लगाया है, ईद से पहले दिन से चौथे दिन तक के लिए, आज तीसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, कल का दिन और है, अल्लाह खैर खैरियत रखेगा इंशाल्लाह, हम अच्छे से इन्जॉयमेंट के साथ टंडोलियार के लोगों को ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल मिले, ये हमारे सर चाहते हैं जावेद साहब के लोग खुश रहें, इस वजह से हमने ये सारी मेहनत करी है, बड़ी मेहरबानी हमारी तरफ से भी हमारे मालिक की, जावेद साहब की तरफ से।